गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर डूइंग फाइन। सो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू डू इंग्लिश, एंड इन इंग्लिश व्हिच चैप्टर वर वी डूइंग? वी वर डूइंग चैप्टर नंबर 11, व्हाई थर्ड। सो स्टूडेंट्स, इन द लास्ट क्लास वी हैव डन पास्ट प्रेजेंट ऑफ दिस चैप्टर, पास्ट प्रेजेंट ऑफ चैप्टर नंबर 11, व्हाई थर्ड। एंड इन टुडेज क्लास वी आर गोइंग टू डू सम ऑपोजिट वर्ड्स ऑफ दिस चैप्टर। सो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट। अवर फर्स्ट वर्ड इज rich, rich, rich मतलब अमीर। rich का मतलब क्या होता है? अमीर। r e c h, rich। opposite of rich is poor, poor means गरीब। अमीर गरीब, रिच पुअर। नेक्स्ट वर्ड इज चीप, चीप। च ई प, ई ए का क्या साउंड होता है? व्हाट इज द साउंड ऑफ ई ए? ई। साउंड ऑफ ई ए इज ई। च ई प, चीप। चीप मतलब सस्ता। एंड ऑपोजिट ऑफ चीप इज एक्सपेंसिव। एक्स पर एन पेन, स ई व एक्सपेंसिव। मीन्स ऑफ एक्सपेंसिव इज महंगा। चीप एक्सपेंसिव। नेक्स्ट वर्ड इज near, near, and meaning of near is pass. Near का मतलब pass. Opposite of near is far, far, far मतलब दूर. नेक्स्ट वर्ड इज डर्टी, डर्टी मतलब गंदा, डर्टी। एंड ऑपोजिट ऑफ डर्टी इज क्लीन, क ल ई न, क्लीन मतलब साफ, क ल ई न, क्लीन। नेक्स्ट वर्ड इज हार्ड, ह आर ड, हार्ड। ऑपोजिट ऑफ हार्ड इज सॉफ्ट मतलब कोमल। स ओ फ ट, सॉफ्ट। नेक्स्ट वर्ड इज hot, h o t, hot मतलब गरम। and opposite of hot is cold, c o l d, cold मतलब ठंडा। hot, cold। next word is easy, easy मतलब आसान, easy। and opposite of easy is difficult, d e d, for diff, f e f, k a l t, cult, d e f diff, f e f, k a l t, cult,
difficult. Easy, difficult. Difficult मतलब मुश्किल. Next word is laugh. Laugh मतलब हंसना. And opposite of laugh is cry, means rona. Laugh, cry. And now your last word is comfortable. Comfortable. Comfortable मतलब आराम से रिलैक्स होना. Comfortable. For example, अभी आप सभी बैठे हैं बेड पर आराम से, सॉफ्ट सॉफ्ट गद्दे हैं, तो आप कैसे बैठे हैं? आराम से कंफर्टेबल होकर बैठे हैं. लेकिन अगर अभी आपको मैं ज़मीन पर बैठने के लिए कहूँ या फिर फ्लोर पर बैठने के लिए कहूँ, तो क्या होगा? आप अनकंफर्टेबल होंगे. अनकंफर्टेबल. सो ऑपोजिट ऑफ अन ऑपोजिट ऑफ कंफर्टेबल इज अनकंफर्टेबल. सो स्टूडेंट्स, यू हैव टू राइट दीज ऑपोजिट वर्ड्स इन योर इंग्लिश फेयर नोटबुक. And yes, try to learn it as well with spellings. So students, stay at your home and stay safe. Thank you.